विद्युत उपमंडल चंबा के बिजली बिल जमा न करवाने वाले डिफाल्टरों के कटेंगे बिजली कनेक्शन। इस बारे जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता विद्युत मंडल चंबा पवन शर्मा ने बताया कि ज्यादातर उपभोक्ता तो अपने बिजली बिल की समय पर अदायगी कर देते हैं, लेकिन कुछ उपभोक्ता बिजली बिल की समय पर अदायगी नहीं करते हैं और ऐसे उपभोक्ताओं से विद्युत मंडल को 2,86,00,000 की बकाया राशि लेने को है। ऐसे में विद्युत विभाग द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सर्दियों के सीजन को देखते हुए सभी फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई हैं, ताकि सर्दियों में बिजली की सप्लाई को सुचारू बनाया रखा जा सके। चंबा के समस्त उपभोक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन भी उपभोक्ताओं का आउटस्टैंडिंग अमाउंट खड़ा है, जो लोग बिजली का बिल निरंतर जमा नहीं करवा रहे हैं, वे कृपया करके इसे 15 दिन के अंदर अंदर जमा करवा दें, क्योंकि इस मंडल के अंतर्गत लगभग 56,000 के करीब कंज्यूमर हैं और कुछ काफ़ी उपभोक्ता जो हैं उनका आउटस्टैंडिंग इस डिवीजन के अंतर्गत लगभग 2,86,00,000 के करीब है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमने बार बार उपभोक्ताओं से निवेदन भी किया है, प्रिंट मीडिया में भी दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बात की है, इसके बावजूद लोग जमा नहीं करवा रहे हैं। जो जितने भी SDO इस मंडल के अंतर्गत हैं उनको ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो उपभोक्ता निरंतर पैसा जमा नहीं करवा रहे हैं उनकी बिजली को अस्थायी रूप से काटा जाए। इस पर संज्ञान लेते हुए सभी उपभोक्ताओं ने, सभी सहायक अभियंताओं ने अपने अंतर्गत जितने भी डिफॉल्टर कंज्यूमर हैं जो पैसा जमा नहीं करवा रहे हैं उनके अस्थायी कनेक्शन काटने के लिए ऑर्डर कर दिए हैं और इनकी बिजली जो है काटी जाएगी, जिसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे, क्योंकि विभाग बार बार इनसे निवेदन कर रहा है और ये लोग अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। इसके अंतर्गत मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विभाग निरंतर उपभोक्ताओं की सेवा के लिए हाजिर है और स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी निरंतर बिजली को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो उपभोक्ताओं से भी निवेदन मेरा है कि वो भी विभाग का सहयोग करें, क्योंकि अगर वो पैसा जमा नहीं करवाएंगे तो विभाग को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी सर्दियों में विभाग लोगों को अच्छी सेवाएं दे, इसके लिए हमारे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां जो हैं वो बंद की गई हैं, केवल एमरजेंसी में ही उनको छुट्टी के लिए अलाउ किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को किसी चीज़ का परेशानी ना हो। और सर्दियों में ये जो बिजली सुचारू रूप से चले उसके लिए पूरे इंतजाम हमने किए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि विभाग ज़्यादा परेशानी उपभोक्ताओं को नहीं आने देगा। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ उपभोक्ता जो हैं उनके केसेस जो हैं वो कोर्ट में भी दिए हुए हैं हमने रिकवरी के लिए, और विभाग को भी काफ़ी उसमें परेशानी हो रही है, उपभोक्ताओं को तो परेशानी होगी होगी, लेकिन जो कंज्यूमर बाकी बचे हुए हैं उनके केस भी हमने अब फॉर्म में देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो मेरा निवेदन ये है कि सबसे ज़्यादा जोर जो है हमारी रिकवरी के ऊपर है और इस पर उपभोक्ता जो है विभाग की मजबूरी को समझें और अपना बिल समय में जमा कराएं, ताकि उपभोक्ताओं को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े।